बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुलह हदीबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ्द मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसम से मिला, जो अंसार के कबीला बनी ज़रीक से ताल्लुक़ रखता था। उन लोगों ने उससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। ये 3 अशरफिया हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़ोर का जादू कर दो। उस ज़माने में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उसे सास बास करके उन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आपके मुए मुबारक थे। उन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बास रवायात में ये कि लुबैद बिन आसम ने खुद जादू किया था और बास में ये है कि उसकी बहनें उससे ज़्यादा जादूगरनियाँ थीं, उनसे उसने जादू करवाया था। बहरहाल इन दोनों सूरतों में जो सूरत भी हो, उस जादू को एक नर खजूर के खोशे के खिलाफ में रखकर लुबैद ने बनी जरीक के कुएं जरवान या जी अरवान नामी की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते हुए पूरा साल लगा। दूसरी चश्माही में कुछ तगैयुर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुजरे मगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो असर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो बस ये था कि आप खुलते चले जा रहे थे, किसी काम के मुतालिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता था। अपनी अजवाज के मुतालिक ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते थे और बास औकात आपको अपनी नज़र पर भी शुबा होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर नहीं देखा होता था। ये तमाम असरात आपकी ज़ात तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को ये मालूम तक न हो सका कि आप पर क्या गुजर रही है। आपके नबी होने की हैसियत तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज के अंदर कोई खलल वाक़े न होने पाया। किसी रिवायत में ये नहीं कि उस जमाने में आप कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई आयत आपने गलत पढ़ डाली हो या अपनी सोबतों में और अपने वाज़ों और खुतबों में आपकी तालीमात के अंदर कोई फ़र्क वाक़े हो गया या कोई ऐसा कलाम आपने वही की हैसियत से पेश कर दिया हो। आखिरकार एक रोज़ आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हाँ थे कि आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी, उसी हालत में नींद आ गई या गुनूदगी तारी हुई और फिर बेदार होकर आपने हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा कि मैंने जो बात अपने रब से पूछनी थी वो उसने मुझे बता दी है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो क्या बात है। आपने फरमाया दो आदमी मेरे पास आए, एक सरहाने की तरफ था और दूसरा पाइंती की तरफ। एक ने पूछा उन्हें क्या हुआ, दूसरे ने जवाब दिया इन पर जादू हुआ। उसने पूछा किसने किया, जवाब दिया लुबैद बिन आसम ने। पूछा किस चीज़ में किया है, जवाब दिया कंघी और बालों में, एक नर खजूर के खोशे के गुलाफ के अंदर। पूछा वो कहाँ है, जवाब दिया बनी जरीक के कुएं जी अरवान की तह के पत्थर के नीचे है। पूछा अब उसके लिए क्या किया जाए, जवाब दिया कि कुएं का पानी सौंध दिया जाए और फिर पत्थर के नीचे से उसको निकाला जाए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अमार बिन यासर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा। उनके साथ जबीर बिन अयासु ज़रकी और कैस बिन मोहसनुल ज़रकी भी शामिल हो गए। बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चंद असहाब के साथ वहाँ पहुँच गए। पानी निकाला गया और वह गुलाफ बरामद कर लिया गया। उसमें कंघी और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरह पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभी हुई थीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया
کہ آپ ماؤس تین پڑھیں، چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باس پرس کے اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصب نبوت میں قادر ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ جنگ احد میں ہوا، اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اس تحفظ کے منافع نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی ذات حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے، یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر جو چیز ہزارہ سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو اس کے وجود کو جھٹلا دینا محض ایک ہٹ دھرمی ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔